हमारा स्टील की कटिंग हो रही है, इसमें हमने जो स्टील की जो कटिंग की है वो शेड्यूल के मुताबिक की है। इसमें हमारी ड्राफ्ट, सेप्टिक टैंक, आरसीसी वाल और हमारा बेसमेंट का जो हमारा छत है वो इसमें शामिल है। इसमें हमारी जो कटिंग है वो शेड्यूल के मुताबिक है। शेड्यूल से ये मुराद है हमारा जो इसमें स्ट्रक्चर इंजीनियर हमें जो शेड्यूल दिया है वो कट लेंथ के हिसाब से दिया है। हमारी जो वेस्टेज आ रही है वो 0.00 हमारी वेस्टेज आ रही है। इसी तरह हमारा 6 सूत्र का, 4 सूत्र का और 3 सूत्र की हमारी कट लेंथें आ रही हैं। इस तरह हमारे कोड वर्ड के हिसाब से है। अब आप 6 सूत्र के आप देख सकते हैं, जो हमारी 6 सूत्र की हमारी बार हैं वो हमारा 17 तक है। या देख सकते हैं वो 472 हमारी टोटल पीसेज आ रहे हैं। इसी तरह हमारे जो 4 सूत्र के हैं और इसी तरह हमारे 6 सूत्र के हैं। हमारे इसी तरह कोड वर्ड के हिसाब से जो जो हमारी शीट की कटिंग होती है वो हमने अपने पैरामीटर के हिसाब से, कोड वर्ड के हिसाब से हमने यहाँ लगाई है। फिर जब हम नीचे साइड पर जाएंगे मौके पे, तो हमने यहाँ से जो कोड हमारा होगा वो हमने नीचे इंस्टॉल कर दिया है। तो नीचे इंस्टॉल करने के बाद हमारी ये है कि हमारी पूरी पूरी जो बार्स है मुकम्मल हमारी यूज़ हो रही है। इसमें हमारी जो वेस्टेज है, मेन हमारा मकसद ये है कि वेस्टेज को बचाना। 4 सूत्र, 3 सूत्र और जो हमारा 6 सूत्र है वो हमारी 60 ग्रेड की है। हमारी जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने जो ड्राइंग बनाई है वो हमारी जो 40 फुट की बार थी उसमें हमारी वेस्टेज 8 से 10% हमारी वेस्टेज आ रही थी। वेस्टेज बचाने के लिए फिर हमने जो स्टील मिल से हमने 60 फुट की बार ली है। 60 फुट की बार के हिसाब से हमने फिर वो हमने उसकी कटिंग की है। मिसाल के तौर पे आपको एक मैं छोटी सी सैंपल दे दूँ। जैसा कि हमारा ये 4 सूत्र का है, हमारा शीट नंबर है 23। इसी तरह हमने 60 फुट की बार है, 29 पे निशान लगाया है, 29 नाव पे, 44 नाव के नाव पे, 52 नाव, 56 6, फिर 60 पूरा। ये हमारी जो है ये हमारी साइज़ है और ये हमारा कोड है A4, जो हमारा 29 फुट 9 पे आएगा A4 पे हम रखेंगे। A33 पे हम रखेंगे, 5 फुट के 3 पीसेज आएंगे। A35 कोड पे हमने 4 फुट के 2 पीसेज रखने हैं। A36 पे हमने 3 फुट 9 पे रखने हैं। A37 पे हमने 3 फुट 6 इंच के हमने पीसेज रखने हैं। ये इसी हिसाब से हमने ये कैटेगरी आपने बनाई है। और हमारा जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो बार है एग्जैक्ट वही हमारा साइज़ है। या हम देखें अगर फर्ज के ये 7 फुट की है तो 7 की है, और ये 9 की है और पूरी 9 की है। इसी तरह कंटिन्यू हमारे जो साइज़ हैं इक्वल साइज़ हैं हमारे। ये हमारी 6 सूत्र की है डिटेल सारी। इसमें हमारी सेप्टिक टैंक, मेन राफ्ट, कॉलम्स, बीम, जो 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 6 सूत्र का हमारा यूज़ हो रहा है। ये हमारी इसकी सिमरी है, जो हमारे कोड हैं 17 तक है 6 सूत्र की। और जो हमारी P1 है 40 फुट है, P2 है 39, 25 है। ये हमारी किधर कौन कौन से में यूज़ हो रही है, कोड में यूज़ हो रही है, ये सारी इसकी डिटेल है। इसी तरह ये 4 सूत्र की है डिटेल। इसी तरह हमारी ये 3 सूत्र की, ये हमारा जो 3 सूत्र का है T24 तक है। जो हमारी वर्किंग होती है, हमारी जो कटिंग होती है वो इस शेड्यूल के मुताबिक होती है। हमने शीट नंबर 1 लेना है, 5 बारें लेनी है। इसकी हमने 40 फुट का मेजरिंग टेप हमने करना है, 1 9 फुट 6 पे निशान लगाना है, 1 25 6 पे और 40 पूरी। हमारे जो साइज़ आ रहे हैं वो 9 फुट 6 के आ रहे हैं, 8 फुट के 2 आ रहे हैं, 7 फुट 3 के 2 आ रहे हैं। इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। 5 बारें हमने लेनी है, एक जो है वो ये P1 और P2 40 की है। इसी तरह शीट नंबर 3 पर आप चले जाएँ और इसमें 46 हमने बारें लेनी है, 31 पे निशान लगाना है और 3 फुट की 3 बारें होंगी, 40 पूरा हो जाएगा। इसमें हमारे जो कट पीस आ रहे हैं 184 आ रहे हैं।
मेन हमारी इसमें जो समरी आई है, समरी ये है कि इसमें 670 का, 370 का और 470 का समरी ये एंड में बनी है। इसमें हमारा जो यूज़ हो रहा है 100% हो रहा है, वेस्टेज हमारी 0.0 है। इसमें टोटल पीस 1599 है, टोटल लेंथ जो है 8600 है, टोटल क्वांटिटी ये है। किसी भी भाई ने आपसे काम करवाना हो, मेरा सेल नंबर है 03127861105। जजाकल्ला।